हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी स्ट्रीट फूड मंचूरियन नूडल्स, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, यम्मी है। तो ऐसे टेस्टी यम्मी मंचूरियन नूडल्स के लिए मैंने लिया है चॉप बंदा गोभी, शिमला मिर्च, बीटरूट और गाजर खिसा हुआ। उसके अलावा ये है हरा प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया है, और थोड़ा सा हरा धनिया है। और ये है सिंपल नूडल्स का पैकेट, मैंने एक पैकेट नूडल्स लिया है। और एक कटोरी मैदा है और आधा कटोरी कॉर्नफ्लावर है। आप चाहो तो कॉर्नफ्लावर की जगह चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। और यह है नमक, चिली सॉस, सोया सॉस, शेजवान सॉस, टमाटो सॉस, चिली फ्लेक्स, अदरक और लहसुन और कुटी काली मिर्च। और ये है विनेगर, मैंने यहाँ पर एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ किया है। उसके अलावा तेल तलने के लिए, अभी मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटा बंदा गोभी, ये वज़न में 250 ग्राम है, एक गाजर, ये भी थोड़ा बड़ा साइज़ का है, एक शिमला मिर्च और एक बीटरूट है। यहाँ पे वेजिटेबल आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऐड कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। उसके बाद ये है हरा प्याज, हरा प्याज में से वाइट वाला मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, मैं सिर्फ अभी ग्रीन वाला डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए बचा के रख रही हूँ। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, नमक अभी मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, बाकी नमक हम बाद में यूज़ करेंगे। नमक डाल के मैं अभी अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसमें हम लोग डालेंगे मैदा और कॉर्नफ्लोर। नमक डाल के इस तरीके से मिक्स करने से सब्जियों में पानी छूटेगा, उसी पानी से हम लोग मंचूरियन का डो बना लेंगे, हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून काली मिर्च और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ये टेस्ट के लिए डाल रही हूँ, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। ये डालने से बच्चे ड्राई मंचूरियन खाते हैं तो टेस्टी लगता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कटोरी कॉर्नफ्लोर और मैदा। मैदा पहले मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, बाकी मैं बाद में डालूंगी। यहाँ पे मैदा इससे कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, वो डिपेंड करेगा कि वेजिटेबल में कितना मॉइस्चर है। तो अब मैं डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अभी मैं बाकी बचा हुआ मैदा भी डाल दी हूँ, मतलब यहाँ पे मुझे 1 कटोरी मैदा और 1/2 कटोरी कॉर्नफ्लोर लगा है। अभी इसका एक नरम डो बन के रेडी है। डो बनने के बाद आप थोड़ा सा लेकर हाथ से गोला बना के देखना, अगर आपके बॉल्स बन रहे हैं इस तरीके से, मतलब डो परफेक्ट है। अभी हमें और आटा या कॉर्नफ्लोर डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना रही हूँ। बॉल्स यहाँ पे मैं छोटे ही बना रही हूँ, बड़े नहीं बना रही, क्योंकि अगर हम बड़े बनाएंगे तो उसे हमें तोड़ के डालना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले ही छोटे बॉल्स बना रही हूँ। वो आपकी चॉइस है, आप जिस साइज़ की मंचूरियन बॉल बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप बना लेना। अब सारे मंचूरियन बॉल्स बनके रेडी हैं, मैं इसे सेट होने के लिए साइड में रख रही हूँ। तब तक कि हम लोग नूडल्स बॉईल करते हैं। अभी मैंने एक पैन रख के उसमें पानी डाला है, पानी में बॉईल आने के बाद मैं इसमें नूडल्स डाल रही हूँ। नूडल्स डाल के अभी मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने से नूडल्स आपस में नहीं चिपकते, और नूडल्स हमें ठंडे पानी में नहीं डालना है। जब पानी में बॉईल आएगा उसी समय हमें नूडल्स डालना है, अदरवाइज नूडल्स बहुत ज़्यादा गीले बन जाएंगे, मतलब खिचड़ी जैसे बन जाएंगे। इसलिए हमें पानी में जब बॉईल आएगा उसी समय नूडल्स डालना है, ठंडे पानी में नहीं डालना है। और नूडल्स को हमें ओनली 80% तक कुक करना है, 100% नहीं कुक करना है, बाकी का हम लोग मंचूरियन के साथ पका लेंगे। अभी नूडल्स इस तरीके से खिले खिले बनने के बाद आप एक बार चेक कर लेना, नूडल बन के रेडी है, मतलब 80% तक के कुक हो गए हैं। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ करके एक छन्नी, एक स्ट्रेनर लिया है, लेकर उसमें मैं नूडल्स डाल रही हूँ। नूडल्स डाल के तुरंत उसके ऊपर मैं ठंडा पानी डाल रही हूँ ताकि इसका कुकिंग प्रोसीजर स्टॉप हो जाए। ठंडा पानी डाल के थोड़ा सा मिक्स करके इसके ऊपर मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने से नूडल्स चिपचिपे नहीं बनते हैं और खिले खिले रहेंगे। अब नूडल्स बनके रेडी है, मैं इनको रख रही हूँ साइड में। अभी मैंने एक और पैन रख के उसमें ऑयल डाला है। ऑयल जैसे गर्म हो गया है इसमें मैं मंचूरियंस डाल रही हूँ। मंचूरियंस डाल के इसे हमें मीडियम हाई फ्लेम पे अच्छे से पलटते हुए सुनहरा होते तक या क्रिस्पी होते तक फ्राई करना है। मंचूरियन को फ्राई करते समय गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा स्लो रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा हाई। मीडियम हाई फ्लेम पे पलटते हुए अच्छे से फ्राई करना। अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे, और एकदम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा तेल सोख लेंगे, इसलिए मीडियम हाई फ्लेम पे इस तरीके से पलटते हुए फ्राई करना है। अब मंचूरियन बॉल्स बन के रेडी है, मैंने निकाल रही हूँ किचन टावल पर। निकाल कर हम लोग आगे का प्रोसीजर करेंगे। ये मंचूरियन नूडल्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी हैं, बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जनरली इसे हम लोग बाहर खाते हैं,
पर इस बार आप घर में ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब नूडल्स बन के रेडी हैं। अब इसमें से मैं एक्स्ट्रा ऑयल निकाल रही हूँ। एक्स्ट्रा ऑयल निकाल के इसमें अराउंड मैं 2 टेबल स्पून ऑयल रहने दूंगी और हम लोग इसी कढ़ाई में आगे का प्रोसीजर करेंगे। अभी मैंने ऑयल निकाल लिया है, अब मैंने इसमें केवल 2 टेबल स्पून जितना ऑयल रहने दिया है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन। लहसुन को मैंने छोटा छोटा काट लिया है। लहसुन डालकर अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा अदरक। चाहो तो आप अदरक को खिस के भी डाल सकते हैं। डालकर अभी मैंने इनको थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। मिक्स करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा प्याज का वाइट वाला पार्ट। हरा प्याज का जो ग्रीन वाला है उसको मैंने मंचूरियन बॉल्स बनाते समय डाला था, अभी मैं उसका वाइट वाला पार्ट इसमें डाल रही हूँ। डाल के इसको हम लोग थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। जैसे ये थोड़ा सा भुन जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालूँगी नूडल्स। नूडल्स डाल के हाई फ्लेम पे ही हमें इनको अच्छे से मिक्स करना है। नूडल्स पकाते समय हमें एकदम ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर हम लोग उसी समय नूडल्स को 100% पका लेंगे तो यहाँ पे मिक्स करते समय वो खिचड़ी जैसा बन जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि नूडल्स को 80% पकाना है, बाकी का प्रोसीजर अब हो जाएगा। अभी हाई फ्लेम पे इसको मैं अच्छे से मिक्स की हूँ ऊपर नीचे पलटते हुए। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ मंचूरियन बॉल्स। मंचूरियन बॉल्स डाल के हम लोग एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जैसे ये थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है। ये रेसिपी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट आप बनाने के बाद ट्रस्ट मी इसका टेस्ट आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप बाहर खाना भूल जाएंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सॉसेस। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ शेजवान सॉस 1 टीस्पून, टमाटो सॉस 1 टीस्पून, ग्रीन चिली सॉस 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून। यहाँ पे मैं सारे सॉसेस 1 1 टीस्पून डाल रही हूँ। आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप सॉसेस थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर, आप चाहो तो नॉर्मल विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। सॉसेस आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप सॉसेस की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। सॉसेस डाल के अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे हाई फ्लेम पे इनको अच्छे से 2-3 मिनट तक के, या तब तक के जब तक के सारे सॉसेस मंचूरियन और नूडल्स आपस में नहीं मिक्स हो जाते तब तक हमें मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ कूटी काली मिर्च 1/2 टीस्पून, उसके बाद चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून। मैंने ग्रीन चिली का यूज़ नहीं किया है इसलिए मैंने चिली फ्लेक्स डाला है। उसके बाद नमक, नमक सॉसेस में भी रहता है तो आप देख के डालना। अगर आपको चिली फ्लेक्स नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हो। डाल के अभी इनको और 1-2 मिनट तक के हाई फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करते हुए या तो टॉस करना है या भुनना है। हाई फ्लेम पे पकाने से चाइनीज़ फूड में एक स्मोकी फ्लेवर आता है और वो एकदम स्ट्रीट स्टाइल लगता है। अब नूडल्स बन के रेडी है। मैंने इसके ऊपर डाला है स्प्रिंग ऑनियन हरा वाला और हरा धनिया। डाल के हल्का सा मिक्स करके गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। बस हमारा बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी मंचूरियन नूडल्स बन के रेडी है। अब आप भी इसे ज़रूर बनाइए और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।